once again. सो गाइस आ गए हैं एक और वीडियो लेकर आप सभी के लिए। यहाँ पास मैंने तीन इंडिकेटर का एक मर्ज आपको जो है सुपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आप सभी के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखते रहना। और यहाँ पे आपको इसमें एक मिनट की वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। सो गाइस आ गए एक और नए वीडियो लेकर आप सभी के लिए। यहाँ पास तीन इंडिकेटर का एक मर्ज बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला आप सभी लोगों को, जिसको आपको एंड तक जरूर देखना होगा। और यहाँ पास एंड तक देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसका फुल वीडियो जरूर देखना। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पास मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में गया और इस इंडिकेटर में हमें जो है आपको जो है रेड लाइन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पास मार्केट इस जोन के बाद में डाउन ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पास ये जो रेड लाइन है मतलब ऑरेंज लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है इस जोन में। और उसके बाद में यहाँ पे एक और इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ आप सभी के लिए, ये है सुपर ट्रेंड। अब सुपर ट्रेंड आपको सेलिंग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के क्रॉस के बाद में यहाँ पे फुल वीडियो जरूर देखो यार फिलहाल। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में गया है इस सेलिंग के बाद में। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है ये क्रॉस ओवर को ही शो करता है, यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन बना हुआ है वो डाउन ट्रेंड को ही शो कर रहा है और यहाँ पे सुपर ट्रेंड आपको सेलिंग सिग्नल तो पहले ही दे दे रहा है। अब एग्जांपल के लिए मार्केट में आपको सेलिंग में जाना है तो यहाँ पास आप इस उस क्रॉस ओवर को देखिए, यहाँ पास इस इंडिकेटर का। अब इस इंडिकेटर को लाने के लिए सबसे पहले जाइए, तीनों इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। ये सुपर ट्रेंड है, सबसे पहले आपके जाइए, ठीक है। ये जो सुपर ट्रेंड है ये इसे रख लीजिए पहले लाइन में, ठीक है पहला। और सेकेंड जो है ये जो इंडिकेटर है ये वाला, इसे इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और सर्च कीजिए, ठीक है। जो पहला वाला दिखेगा ना ये, इस पर आप रख लीजिए इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पर जैसे मैंने इसे डाल दिया है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्केट जब जब इस लाइन को क्रॉस करता है, इस ऑरेंज लाइन को, यानी कि ऑरेंज लाइन जब अप जाता है और यहाँ पे इसका कलर चेंज होता है, ये कलर चेंज हो रहा है इस क्रॉस ओवर के कारण, ठीक है। जब कलर चेंज होता है तब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सेल ट्रेंड दे सकते हैं, बस मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ, थोड़ा और आ जाता हूँ, चलो यहीं पे बताता हूँ। यहाँ पे आप सभी देखते हैं बाय सिग्नल देखने को मिला और यहाँ पे इसका जो ब्लू लाइन है ये अप ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार मार्केट जो है वो आपको फॉल्स सिग्नल भी देता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल देखने को मिल रहा है इस जोन में, तो इसके लिए यहाँ पास मैंने ला लिया है 50 SMA, क्योंकि यहाँ पास हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 50 MA इज़ द बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप 200 EMA में भी जा सकते हैं अगर आपको जाना हो तो यहाँ पास, लेकिन आप इंटरडे हो तो यहाँ पास मैंने ज़्यादा इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक मर्ज इंडिकेटर भी है जहाँ पास आप 10 इंडिकेटर को एक साथ रख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे इससे पहले मैं हटा लेता हूँ, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो गया आजकल। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मार्केट जो है आपको यहीं पे अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब यहाँ पास ये SMA के ऊपर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इस लाइन में भी आपको जो है, थोड़ा नीचे ला देता हूँ इसको, इस लाइन में भी आपको जो है अप ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ तक मार्केट अप गया है, ये काफ़ी ठीक ठाक ही ऊपर गया, एकदम बेहतर तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक ही अप ट्रेंड गया है। थोड़ा मैं इसे और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक ठाक ही आपको अप ट्रेंड शो कर रहा है और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलिंग सिग्नल मिला, तो यहाँ पास ये फॉल सिग्नल है क्योंकि यहाँ पास ये जो है SMA के नीचे है, सॉरी ऊपर है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे यूज़ कर थोड़ा और बैक आ जाते हैं अपन जो है, यहाँ पे भी आपको फॉल सिग्नल देखने को मिला है और यहाँ पर आपको ट्रेड लेना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये SMA के ऊपर में है और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग सिग्नल देखने को मिला है। ये आपको बेटर ऑप्शन हो सकता था, सेलिंग सिग्नल देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन है ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर SMA के नीचे आ चुका है। तो वहाँ पास मार्केट में आपको यहाँ पास पुट कर लेना था या फिर सेल कर लेना था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर वर्क करता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक और एंड आ जाते हैं, यहाँ पे आपको फॉल सिग्नल देखने को मिला है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेलिंग सिग्नल देखने को मिला था, ठीक है, सेलिंग सिग्नल देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, इस जोन में आने के बाद में आपको बाय सिग्नल दे रहा था लेकिन आप इस जोन में जब आते हो इस लाइन में, मैं यहाँ पास देख सकते हैं, इस जोन में आने के बाद में आपको जो है रेड लाइन मतलब ऑरेंज लाइन देखने को मिला है इस जोन में, बेटर लाइन देखने को मिला, नहीं तो यहाँ तक आपको अप ट्रेंड शो करना था। अब चूंकि यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में था तो आपको सेलिंग में ना, सॉरी बाइंग में ना जाके सेलिंग में जाना था और ये सभी में वर्क करता है, चाहे मैं चले जाऊँ फॉरेक्स में, फॉरेक्स में भी यहाँ पास ये जो है बेटर वर्क करते आपको दिखाई दे देगा। इसके लिए मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में आना होगा, छोटे टाइम फ्रेम नॉट ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि मार्केट का मूवमेंट कभी भी चेंज हो जाता है इसमें। इस एग्जांपल के लिए ये SMA के ऊपर था ये वाला जो है, आपको यहाँ पास बाइंग सिग्नल देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पास ये फॉल है
आप सभी देख सकते हैं ये नीचे तो था लेकिन मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका था, काफ़ी नीचे आ चुका था, और यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए, इस जोन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है, अराउंड अराउंड इस जोन में मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, तो इसलिए अब यहाँ पर काफ़ी कुछ ऑन हो गया है। तो यहाँ पे मार्केट में इस जोन में आने के बाद में आपको जो अप ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे वापस से आपको बाइंग सिग्नल मिला, देख सकते हैं सुपर ट्रेंड में, और ये SMA के ऊपर आ चुका है, ये वाला जो कैंडल है काफ़ी बढ़िया हमको जो है एक बिग बुल यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस इंडिकेटर में आपको जो है ब्लू लाइन देखने को मिला, तो यहाँ पर आप जो है बाय में जा सकते थे और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर है वो वर्क करता है।